आजमगढ़ नेहरू हाल के सभागार में डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी व डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्व फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर निदेशक स्वास्थ्य आमोद कुमार व विशिष्ट अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार संघ प्रदेश संरक्षक कुंवर हृदयानंद सिंह फार्मासिस्ट अधिकारी लल्लन राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरपी गौतम ने किया। इस दौरान सीएमओ अशोक कुमार ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि इस विज्ञान गोष्ठी में नई नई दवाओं सहित फार्मासिस्टों की कार्यशैली के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे के बारे में, एंटीबायोटिक स्ट्रेन बारे में और जो कैसे फार्मेसी की कार्यशैली है उसके बारे में लोगों को बताया गया। नए नए बच्चे भी यहाँ पे आए हुए जो अभी फार्मेसी कर रहे हैं उनको भी आगे मार्गदर्शन मिला इससे बहुत अच्छा। किस तरीके से चुनौतियाँ रहती हैं, तमाम दिक्कतें भी आती हैं और दवाइयों को लेकर या दवाई मरीजों को देने में भी चुनौतियाँ तो हर फील्ड में है, पर हम लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा समय के साथ। नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, तो उनके बारे में जानना पड़ना पड़ेगा तभी हम लोग जनता की सेवा कर पाते हैं। फार्मासिस्ट को क्या संदेश देना चाहेंगे? फार्मासिस्ट को मैं संदेह मरीज से प्यार से बात करें, उसका दुख दर्द समझें, अपने परिवार के सदस्य की समझें, उसका इलाज कराएं, जो दवा दी जा रही है प्रॉपर उनको दवा मिलनी चाहिए। जिला फार्मासिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। इस तरीके की संगोष्ठी और विश्व फार्मेसी दिवस जो है ये हम लोग मना रहे हैं और विश्व फार्मेसी दिवस हर साल मनाई जाती है और इससे हम लोग नेहरू हॉल आजमगढ़ में इस समय प्रोग्राम चल रहा है हमारा वैज्ञानिक गोष्ठी का भी। हाँ, वैज्ञानिक गोष्ठी का भी आयोजन है, इसमें सभी लोग आ रहे हैं, अपने वक्ता लोग भी जो भी बातें हैं अपनी कह रहे हैं। फार्मेसी दिवस फार्मासिस्ट जो होता है ये एक कड़ी डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों के बीच की एक कड़ी होती है, और फार्मासिस्ट का काम जो रहता है ये लोगों को जोड़ के दवा के संबंधित लोगों से समझाना, लोगों से बात करना कि किस तरीके से कैसे क्या है। आपके कामों में क्या चुनौतियाँ और क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? हमारे कामों में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जो डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं इस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है और इसको हमको कैसे डोज कैसे बनाना है, कैसे इनको दवा खिलाना है, किस तरीके से क्या देख, ये सब काम हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और तमाम दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई कोई दवा ऐसी होती हैं कि नहीं समझ में पेशेंट को नहीं आती, फिर हमारे यहाँ आते हैं। हमारा काम ये है कि नहीं बेहतर से बेहतर जो भी सुविधाएँ हों ये हम उपलब्ध दें। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें जो इस फील्ड में आ रहे हैं नए नए युवा? इनको जो युवा पीढ़ी हैं इनको अपने संगठन अपने संघ फार्मेसी क्या है किस तरीके से है इसमें क्या करना चाहिए, क्या दायित्व तो हमारा रहता है, इस दायित्व को भरपूर अच्छे तरीके से निर्वहन करना चाहिए।